तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। पाइथन के अंदर सिलेक्शन सॉर्ट को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन के थ्रू भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्लास के थ्रू भी, बट मैंने फंक्शन और क्लास किसी के साथ में नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक डामी एरे ले लेता हूँ ARR करके, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 8 6 8 1 2 और 9। तो यहाँ पे एरे में 5 एलिमेंट मैंने डाल दिया हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका लेंथ को फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं डालूँगा n इक्वल टू लेंथ ऑफ ARR। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ ARR, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ हमारा है 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग लूप को चलाएंगे। तो यहाँ पे देंगे फॉर i इन रेंज, तो रेंज में यहाँ पे डायरेक्ट में मैं लिख सकता था, डायरेक्ट यहाँ पे लेंथ ना लिख कर यहाँ पे इसके अंदर भी मैं लिख सकता था, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे मैं एन डाल दूंगा और इसके बाद लगाऊंगा कोलोन। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे एक मिनिमम इंडेक्स यहाँ पे लेना है। तो मिनिमम इंडेक्स से आई होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिनिमम और यहाँ पे लगाऊंगा इंडेक्स IDX, मैं लिख देता हूँ IDX, और यहाँ पे इक्वल टू मैं दे देता हूँ आई। तो मिनिमम इंडेक्स हमारा आई है यहाँ पे, और उसके बाद मुझे एक इनर लूप को चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाऊंगा फॉर जे इन रेंज, तो रेंज के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, आई प्लस वन यहाँ पे करेंगे, आई प्लस वन करेंगे, और कहाँ तक करेंगे हम, एन तक, मतलब लेंथ तक यहाँ पे हम लोग जाएंगे इस लूप को। तो यहाँ पे कोलोन दे देता हूँ और इसके बाद मैं लिख देता हूँ एक कंडीशन लगाएंगे हम। तो यहाँ पे डालेंगे इफ, अगर जो ARR होता है, मतलब हमारा जो एरे होता है उसका मिनिमम इंडेक्स, मतलब मीन IDX MIN IDX, अगर मिनिमम इंडेक्स इसका बड़ा होता है किसके ARR एरे की, मतलब J की जो वैल्यू है उससे, यहाँ पे मैं J डाल दूंगा, और इससे अगर बड़ा होगा तो क्या हम करेंगे, अब मिनिमम इंडेक्स को हम कर देंगे J, मतलब यहाँ पे जो J का वैल्यू होगा वो मिनिमम इंडेक्स हो जाएगी, मिनिमम इंडेक्स होगा जे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। तो इसके बाहर मैं जाता हूँ और फॉर लूप का बाहर भी हम स्वैपिंग करेंगे। तो ARR हमें लिखना पड़ेगा ARR ऑफ क्या, आई। तो यहाँ पे ARR ऑफ आई, और उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे और ARR फिर से डालेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे मिनिमम इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग दिख दे मिनिमम इंडेक्स, और इसके बाद हम लोग इक्वल टू देंगे और फिर से ए को लिखेंगे ARR और मिनिमम इंडेक्स, और मिनिमम इंडेक्स, और उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद हम लोग देंगे ARR ऑफ आई, यहाँ पे लिखेंगे ARR ऑफ आई। तो यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हुआ। तो इसके बाद हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ है और नहीं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट में मैं ओल्ड एरे दे देता हूँ ARR को, मतलब यहाँ पे ARR देंगे तो नए एरे जो शॉर्टिंग एरे होता है वो आ जाएगा, पर मैंने इसको फास्ट पे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इसको मैं फास्ट में लगा देता हूँ, प्रिंट ARR, और इसको यहाँ पे मैंने फिर से एक बार प्रिंट लगाना है, और यहाँ पे भी ARR देना है। तो पहले क्या होगा, पहले जो अनसॉर्टेड एरे है वो आएगा और उसके बाद सॉर्टेड एरे आ जाएगा। तो कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 6 8 1 2 9 पहले का जो एरे है अनसॉर्टेड एरे वो आ गया, और उसके बाद 1 2 6 8 9 हमारा सॉर्टेड एरे आ गया। इसके बाद भी यहाँ पर मैंने अगर 3 डाल दिया हूँ तो 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 1 2 3 6 8 9 आ गया सॉर्टेड होकर।
तो ऐसे ही आप लोग सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो पाइथन के अंदर। तो आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, इसे रैप कर सकते हो, और क्लास के अंदर भी आप लोग लिख सकते हो। तो मैंने ऐसा ही यहाँ पे दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर।